एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अ गर्ल रितिका। आज का सॉन्ग एज यूजुअल वापस ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत ज्यादा, दैट इज नहीं मिलता। इसका जो मेन पार्ट है मैं पहले ही बता दूं, उसी का मैं ट्यूटोरियल लाई हूँ। जो चार लाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, दैट इज परीम दिस पार्ट, जो हुक लाइन है यही मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। ट्यूटोरियल बहुत इजी, बहुत अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है। मैंने ट्राई किया, मैं बहुत ज्यादा इजी बनाऊँ आप लोगों के लिए। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। शॉर्ट एंड बहुत ज्यादा सिंपल ट्यूटोरियल लाई हूँ। 6 कॉर्ड्स यूज करेंगे। 6 देखे से घबराना मत आप लोग। बहुत लोग के मैंने और ट्यूटोरियल्स देखे थे जिन्होंने 3 कॉर्ड्स 4 कॉर्ड्स बोले थे। नो डाउट सबके अपने अपने तरीके होते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स भी बहुत अच्छे थे, बट 3-4 कॉर्ड्स के साथ ये सॉन्ग बहुत ज्यादा एडवांस सॉन्ग है। सो 6 कॉर्ड्स तो लगेंगे ही हमें एटलीस्ट इस 4 हुक लाइन को गाने के लिए। सो डी माइनर, ए माइनर, सी एफ ए एंड एक ए शार्प, एक बार कॉर्ड हम लोग यूज करेंगे। कॉर्ड्स बताने से पहले मेक श्योर आप लोग का यूकेलेले ट्यून होना चाहिए। इट्स जी सी ई ए। सबसे पहला कॉर्ड दैट इज ए माइनर, मिडिल फिंगर, सेकंड फ्रेट टॉप स्ट्रिंग, दैट्स इट, दिस इज ए माइनर। द सेकंड वन इज एफ मेजर। एफ मेजर के लिए मिडिल फिंगर वही रहेगा, इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट के नीचे से सेकंड स्ट्रिंग पे आएगा, दिस इज एफ मेजर। डी माइनर के लिए एफ वैसे ही रहेगा, रिंग फिंगर मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे, मतलब सेकंड फ्रेट नीचे से थर्ड स्ट्रिंग पे ऐड करेंगे, दिस इज डी माइनर। देन नेक्स्ट अप इज ए मेजर। ए मेजर के लिए मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट टॉप स्ट्रिंग एंड इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट नीचे से 1 2 3 थर्ड स्ट्रिंग, दिस इज ए मेजर। सी मेजर सबसे पहला कॉर्ड सीखते हैं जो हम, रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज सी मेजर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए शार्प। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी बट आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ए शार्प के लिए रिंग फिंगर, ए शार्प इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको ए शार्प नहीं आता, ए शार्प की जगह ऑल्टरनेटिव आप लोग डी माइनर ही यूज कर सकते हो जो हमारा बेस कॉर्ड है। रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट टॉप स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर सेकंड फ्रेट नीचे से थर्ड स्ट्रिंग एंड इंडेक्स फिंगर से फर्स्ट फ्रेट के नीचे के 1 2 साथ में होल्ड करेंगे, दिस इज ए शार्प। ये हो गए हम लोग के इजी 6 कॉर्ड्स, दैट इज सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, डी माइनर, ए मेजर एंड ए शार्प मेजर। सो अभी हम लोग फटाफट प्रोसीड करते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के साइड। स्ट्रमिंग पैटर्न में आप लोग के लिए 2 लाई हूँ, एक फिंगर पिकिंग लाई हूँ जिनको बहुत ही सॉफ्टली गाना है, दैट इज परीमन। जिनको ऐसे गाना है वो लोग यूज कर सकते हैं 3 2 1 2, 3 with thumb, 2 with index, 1 with middle and 2 again with index. So, D minor लगा के अगर करूं, 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2, ये first हम लोग का finger picking हो गया। The second one is strumming pattern है, down chuck down up chuck, down chuck down and then up chuck, chuck आप ऐसे या ऐसे कैसे भी कर सकते हैं। So, down chuck down up, एक लाइन में गुनगुनाऊं क्योंकि मैं यूज नहीं करूंगी कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड प्ले अलोंग में। सो परीमन मायूस है लाइक दिस, डाउन चक डाउन अप चक, बहुत स्लो है। अभी हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न कर रहे हैं वो मैं प्ले अलोंग एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन में यूज करने वाली हूँ एंड दैट इज द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर हम गिटार या यूकेलेले पे प्ले करें सबसे ज्यादा अच्छा वही स्ट्रमिंग पैटर्न साउंड करता है, दैट इज डी डी यू यू डी डी, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, दैट्स इट। अगर मैं डी माइनर लगाऊं, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन, That's it। ये अभी हम लोग प्ले अलॉन्ग एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन में यूज करने वाले हैं एंड मैं दोनों साथ में करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ही छोटा हुक लाइन 4 लाइन लाई हूँ, तो प्ले अलॉन्ग एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन साथ में करूंगी, तब आप देख सकते हैं हम लोग कैसे इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। सो यस, लेट्स बिगिन द प्ले अलॉन्ग। प्ले अलॉन्ग एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन है। सबसे पहले मैं आप लोग को कॉर्ड प्रोग्रेशन बता देती हूँ। वन मोर थिंग, जिनको लगता है कि डी माइनर उनके लिए नीचे हो रहा है, फॉर द मेल और फीमेल व्यूअर्स, आप लोग सेकेंड फर्स्ट थर्ड फ्रेट किसी पे भी कैपो यूज कर सकते हो। मैं विदाउट कैपो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, सो मैं बिना कैपो के ही करूंगी। कॉर्ड प्रोग्रेशन है डी माइनर, ए माइनर, ए शार्प, एफ, सी, देन डी माइनर, ए माइनर, ए शार्प एंड ए। ए पे लास्ट डाउन करके ही खत्म हो रहा है, दैट्स इट। ही हमारा हुक लाइन है मैं यूज करने वाली हूँ, डाउन डाउन।
पर ये मन ए माइनर मायूस है। बहुत पे ए शार्प जाएंगे, मैंने कहा जिनको ए शार्प नहीं आ रहा है वो लोग डी माइनर भी लगा सकता है, ए शार्प बहुत ए माइनर ए शार्प एंड ए। हर कॉर्ड पे सिर्फ एक एक बार स्ट्रमिंग पैटर्न बज रहा है, बस जो लास्ट का ए है उसमें डाउन होगा। सो इस ए माइनर इस भीड़ में ए शार्प अकेला है That's it. ये सिंपल सा मैंने आप लोग को पार्ट्स में बताया, अभी हम लोग प्ले अलोंग करते हैं एक साथ, तो आप लोग इजीली समझ पाओगे। सो पर ये मन मायूस है बहुत हंगामे में गिरे इस का बेस कॉर्ड है उसी पे आप लोग डाउन करके एंड करना। दैट्स इट, बहुत इजी था। आप लोग धीरे धीरे चार लाइन के, अगर आप लोग को कॉर्ड स्विचिंग में डिफिकल्टी हो रही है धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करो स्विचिंग की, बहुत इजी है, आ जाएगा। अगर कवर करते हो इंस्टाग्राम यूट्यूब किसी पर भी मुझे टैग करो, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। वन मोर थिंग, यू के लिए क्लासेस की डिटेल स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग जाके चेकआउट करो, गूगल फॉर्म फिल करो। सो वापस हम लोग जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल या नेक्स्ट किसी यू के लिए शॉर्ट में। थैंक यू सो मच।